हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एम रहमान यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, अभी एनआरसी के बारे में एक और नई खबर निकल के आ रहा है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का अपडेट है, कुछ समय पहले आया है। अगर आपको जानना है तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के पास हर नए से नए अपडेट सबसे पहले पहुँचाने की। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आपको ऐसे नई नई इन्फॉर्मेशन सबसे पहले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू का बेल आइकन दबाकर रख लीजिए। तो चलिए जान लेते हैं कि अपडेट एनआरसी के बारे में निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में एनआरसी के बारे में जो अपडेट है वो आप सभी लोगों को पता चल रहा होगा। ये भी वेस्ट बंगाल के एनआरसी के बारे में एक अपडेट निकल के आ रहा है। ये भी देखिए, वेस्ट बंगाल अमित शाह टू स्पीक ऑन एनआरसी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इन कलकत्ता ऑन अक्टूबर 1st। ये भी देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू स्पीक ऑन नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एट नेताजी इंदौर स्टेडियम हेयर ऑन अक्टूबर 1st अक्टूबर को होम मिनिस्टर अमित शाह नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में नेताजी इंदौर स्टेडियम में बात करेंगे। इसके बाद ये बात देखिए, दिस कम्स आफ्टर द मीटिंग बिटवीन द वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी एंड अमित शाह ऑन सेप्टेम्बर 18 इन दिल्ली ओवर एनआरसी। सेप्टेम्बर 18 को जो दिल्ली में एनआरसी के बारे में जो मीटिंग हुआ बिटवीन वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी एंड अमित शाह, होम मिनिस्टर अमित शाह के बारे में जो मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग के बाद ही ये अपडेट निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स, देखने वाली ये बात होगी कि 1st अक्टूबर को होम मिनिस्टर अमित शाह एनआरसी के बारे में और सिटीजनशिप बिल अमेंडमेंट बिल के बारे में वेस्ट बंगाल में क्या राय लेते हैं, उनके ओर से क्या अपडेट आता है। जो भी अपडेट आएगा आप सभी लोगों के पास इस चैनल के माध्यम से पहुँच जाएगा। चैनल के साथ बने रहिए। तो आज की इस वीडियो में ही छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला था। तो इस बारे में अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।